प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये चैनल आपको रियल एस्टेट में एक्सपर्ट एडवाइस देने के साथ साथ रियल एस्टेट में ट्रेनिंग देने का काम करता है, फाइनेंशियल एजुकेशन में ट्रेनिंग देने का काम करता है। मैं हूँ राजवंत सिंह माली, रियल एस्टेट मेंटर, रियल एस्टेट बुक्स का ऑथर एंड मोटिवेशन स्पीकर। आज का टॉपिक रियल एस्टेट बिजनेस है जो सबका बॉस क्यों है, सबसे सुपीरियर क्यों है। दोस्तों, हम ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट करते हैं गोल्ड में, LIC में, फिक्स डिपॉजिट में, स्टॉक में। तो जब जैसे 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 हम अपने पैसे कमाते जाते हैं और पैसे को थोड़ा सा ही हमारी सेविंग होती चली जाती है, तो हम इन चीज़ों में निवेश करना शुरू कर देते हैं। और जब ये हमारे पास थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए तो फिर हम फिर आते हैं रियल एस्टेट में। ये सबसे रियल एस्टेट में जो है, ऐसे तो आपने बहुत लोग देखे होंगे जिन्होंने अपनी पॉलिसियाँ बेच के प्लॉट लिया हो, अपना गोल्ड बेच के घर लिया हो, अपने फिक्स डिपॉजिट तोड़ा के अपना घर लिया हो, स्टॉक बेच के अपना घर लिया हो, प्लॉट लिया हो, जो भी यह आपको यहाँ इन्वेस्टमेंट किया हो। आपने कभी नहीं देखा होगा कि रियल एस्टेट बेच के आपने LIC ली हो या फिक्स डिपॉजिट करवाया हो। हाँ, फिक्स डिपॉजिट ये हो सकता है कि आज हमने रियल एस्टेट बेची है, कोई प्रॉपर्टी बेची है और हमें सूटेबल प्रॉपर्टी नहीं कोई मिली, तो हमने कुछ देर के लिए फिर हमने अपने इसको हम बैंक में रख सकते हैं पैसे को सिक्योरिटी के तौर पर, कि जिस दिन हमें रियल एस्टेट कोई बढ़िया मिल जाएगा, प्रॉपर्टी बढ़िया मिल जाएगी, उस दिन हम जाके फिर इन्वेस्ट कर देंगे रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट होने वाला पैसा ये सभी जगह से आ सकता है, लेकिन रियल एस्टेट में जो इन्वेस्ट हो गया पैसा वहाँ से आपको रिटर्न मिल गई तो ये रियल एस्टेट में ही जाएगी। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट का मतलब है आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बहुत ही बढ़िया हर एंगल से, क्योंकि इसमें ना तो आपको कोई कुछ और सोचना है, आपकी सेफ्टी बहुत है, आपकी सिक्योरिटी बहुत है, आपको काम करने की ज़रूरत नहीं, आपके 9 से 5 कोई आपको दुकान खोलने की ज़रूरत नहीं, बहुत अच्छी जो रिटर्न है आपको इससे मिल सकती है। गोल्ड में ठीक है, गोल्ड में लोग इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जब गोल्ड में से पैसा निकलता है तो फिर भी वो पैसा रियल एस्टेट में आ जाता है। रियल एस्टेट में बेच के कई बार हम गोल्ड में लगा लेते हैं, ये तो यहाँ पर तो इतना तो एक्सचेंज हो जाता है, लेकिन रियल एस्टेट बेच के हम LIC की किस्त कभी नहीं भरते। LIC के हमारे जब पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो हम बेच के फिर रियल एस्टेट लेते हैं, फिक्स डिपॉजिट तोड़वा के फिर हम रियल एस्टेट लेते हैं, स्टॉक बेच के भी हम रियल एस्टेट लेते हैं। मतलब मैं ये समझता हूँ कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना मतलब ये सबसे ऊपर वाला काम है। रियल एस्टेट सबसे ऊपर वाला काम है, रियल एस्टेट का पैसा है वही बढ़ता है, वही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देता है, वही आपको टाइम एंड सिक्योरिटी देता है, वही आपको लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस देता है। आप ही कहोगे इनमें क्या प्रॉब्लम है, इनमें कोई आपको काम नहीं करना, ठीक है काम नहीं करना, लेकिन जिस स्पीड से यहाँ पर पैसा बढ़ना है तो वो आपको कहीं से कहीं ले जा सकता है। रियल एस्टेट अच्छे तरीके से खरीदी हो, अच्छे तरीके से देख के खरीदी हो और कागज पत्र सही करवा के अपने नाम पे करवा लियो, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि कहाँ कहाँ इसने आपको पहुँचा दिया है। करोड़ों रुपए का बेनिफिट, करोड़ों रुपए के प्रॉफिट लोगों को होते हैं, तो आपने रियल एस्टेट है जो ये सबसे बेसिक फंडा है हमारे इन्वेस्टमेंट का। सो दोस्तों, आज के लिए इतने। वीडियो ठीक है, मैं ये नहीं कहता बहुत अच्छी वीडियो है, लेकिन आपको क्लैरिटी के लिए ऐसी वीडियो चाहिए थी, तो आपने क्लैरिटी आपकी ये है कि यदि इन जगह पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपका पैसा इकट्ठा हो जाए तो फिर रियल एस्टेट में उसको ट्रांसफ़र कर दो। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करना, आपका सवाल हो कमेंट बॉक्स में, चैनल पर नए हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दो। बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ आपके साथ मेरी भेंट होगी, तब तक आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच। राजवंत सिंह मोहाली।